हेलो फ्रेंड्स, आज के दिन 5G सेक्टर में एक बैड न्यूज़ सामने आई है। यहाँ पर बताया गया है टेलीकॉम चीफ के हवाले से, यहाँ पर बोला गया है डोंट ऑक्शन सैटेलाइट स्पेक्ट्रम इफ़ यू वांट गुड रूरल ब्रॉडबैंड। इनके द्वारा यहाँ पर बोला गया है कि जो रूरल ब्रॉडबैंड में जो स्थिति है 5G की, यहाँ पर हमें नेटवर्क भेजने के लिए सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का सहारा लेना होगा, जो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ऐसा इनके द्वारा बताया गया है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि टावर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है वो यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलेगा, जिस कारण से यहां पे हो सकता है कि इस शेयर की डिमांड, जिस शेयर की हम पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं, ZTL इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड थोड़ी सी कम हो सकती है। इसकी सेल्स भी कम होने के बहुत ज्यादा यहां पे चांसेस है। यदि आप यहां पे देखें तो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पे एक तरह से ऐसी बात की जा रही है कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के द्वारा हमें 5G की सर्विसेज रूरल एरिया में रूरल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वैसे यहां पे कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, क्योंकि अभी हाल ही में स्पेक्ट्रम डीलिंग भी हुई है, जिस कारण से पे गवर्नमेंट की निगाहें अभी तो स्पेक्ट्रम डीलिंग पे ही है। एंड कुल मिलाकर जो टावर इंफ्रास्ट्रक्चर, देन उसके बाद फिर जो 5G ऑप्टिकल केबल, उसी के जरिए 5G की सर्विसेज, 5G की कनेक्टिविटी रूरल एरिया में पहुंचाई जाएगी। बट यहां पे आज के दिन जो आर्टिकल आया, ये जरूर कहीं ना कहीं सैटेलाइट ऑक्शन डील को बढ़ावा देने वाला है। फर्स्ट यदि हम ZTL इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आज के दिन 1.45 रुपए पे लास्ट ट्रेडिंग टाइम पे बंद हुआ है। वैसे मैं लगातार आपको बताता रहूंगा 1.40 रुपए इसका एक अच्छा सपोर्ट रहा है। एंड कई बार आपने देखा होगा इसी सप्ताह में कई बार 1.40 रुपए तक जाता है, देन फिर वहां से एक भी सेप रिकवरी देखने को इस शेयर में मिलती है। वैसे काफी लंबे समय से ये ट्रेंड इसमें चल रहा है, क्योंकि मैं आपको लगातार बताता रहा हूं 1.40 रुपए इसका एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है। यदि आप कहीं ना कहीं 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखें तो एक बड़ी गिरावट यहां पर देखने को मिली थी, लेकिन अभी उसमें से कुछ रिकवरी यहां पर हो चुकी है। तो शेयर एक यहां पर एक ठीक ठाक पैटर्न वेस चल रहा है 6 मंथ के पैटर्न में, लेकिन यदि आप कहीं ना कहीं 1 ईयर का चार्ट पैटर्न देखें तो आपको यहां पर समझ में आएगा कि गिरावट बहुत ज्यादा रही है, क्योंकि इसका जो हाई है वो 2.50 रुपए के अराउंड बना था, देन फिर वहां से गिरावट होते होते ये जो पर्टिकुलर शेयर है 1.05 रुपए तक जा पहुंचा था। देन अभी यदि देखें तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ एक अच्छे प्राइस पे आपको अवेलेबल है, 1.45 रुपए के साथ यहां पर अवेलेबल है। लेकिन आपको एक ट्रेंड समझना होगा जो मैं आपको लगातार बताता रहता हूं, 1.40 रुपए इसका एक अच्छा सपोर्ट है, वहां से ये वी शेप रिकवरी लेता है, देन आज के दिन भी अपर सर्किट के साथ बंद हुआ है। यदि टेक्निकली रूप से बात करें समय तो 1.45 रुपए पे तो है ही है, उसके साथ 50 डेज DMA से ऊपर चल रहा है, क्योंकि इसका जो 50 डेज DMA है वो अभी 1.41 रुपए है। तो 50 डेज DMA से इस शेयर का ऊपर चलना कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को दिखाता है। यदि लॉन्ग टर्म बेसिस पर बात करें तो 1.48 रुपए पे इसका 200 डेज DMA है, जहां से ये शेयर इस समय तो थोड़ी सा नीचे ट्रेड हो रहा है, यहां पर तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन जैसे ही 1.48 रुपए को क्रॉस करता है, वैसे ही आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी इस शेयर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। मतलब यहां पर टेक्निकली रूप से लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों टर्म में यहां पर बुलिश मोड में पहुंच जाएगा, जहां से एक आप अच्छा डिसीजन यहां पर ले सकते हैं। उसके साथ यदि हम इसकी सेल्स, रेगुलर सेल्स देखें, क्वार्टरली बेसिस की सेल्स, तो यहां पर जरूर मैं बताना चाहता हूं आपको, जो 5G के कारण यहां पर एक हाइप बना हुआ था वो सेल्स में कहीं देखने को नहीं मिला है, क्योंकि एक लंबे समय से जून 2021 से यदि आप सेल्स देखें तो वही रहने वाली है 362 करोड़, एंड सेप्टेम्बर में देखें तो 364 करोड़, 371 करोड़, 366 करोड़, एंड अभी भी इस क्वार्टर में भी 360 करोड़ के अराउंड की सेल्स आई थी। तो आप समझ पा रहे हैं पैटर्न में कोई भी चेंजमेंट नहीं है। जिस तरह से 5G के आ जाने के बाद 5G के हाइप के साथ यहां पे एक चेंजमेंट रहना चाहिए था सेल्स में, सेल्स लगभग यहां से डबल से ट्रिपल हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी देखने को नहीं मिल रही है। हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर, मतलब यहां पे Q2 में एक अच्छी सेल्स हमें देखने को मिले, जिस कारण से एक अच्छी उम्मीद इस शेयर के साथ साथ पूरे सेक्टर में मिल सकती है। एक्सपेंसेस की यदि बात करें, खर्चों की बात करें, तो कंपनी खर्चे लगातार कर रही है। इस क्वार्टर में भी कंपनी ने 324 करोड़ के खर्चे किए, एंड लास्ट क्वार्टर के बेसिस पर बात करें तो वो 249 थे, तो 250 करोड़ से लेके 350 करोड़ के अराउंड के कंपनी खर्चे कर डालती है। इस कारण से इसे जो नेट प्रॉफिट हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की पहले बात करेंगे तो 36 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में हुआ है। यदि आप लास्ट में जल के यदि नेट प्रॉफिट चेक करें तो अभी कंपनी 280 करोड़ के लॉसेस में, एंड कंपनी को लगातार एक साल से लॉसेस झेलने पड़ रहे, जिस कारण से कंपनी के शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिलती रहती है। इस क्वार्टर में भी जो नेगेटिविटी आई वो लास्ट क्वार्टर के बेसिस पे तो कम थी, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में 850 करोड़ के लॉसेस थे कंपनी को। तो आपको समझना होगा कंपनी का भी लॉसेस कम हुए, हो सकता है नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी की सेल्स बढ़े, जिस कारण से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो ज़्यादा अच्छे देखने को मिले, अच्छे बेटर देखने को मिले। साथ साथ यदि इस समय फॉरम सेंटीमीटर पर एक स्थिति चेक करें तो अभी 78% जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी की सलाह दे रहे हैं।
बकाया के जो 22% इन्वेस्टर हैं वो भी यहाँ पे होल्डिंग की बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सेलिंग के लिए अभी कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं बोल रहा है, तो जरूर एक अच्छा हाइप यहाँ पे भी बना हुआ है। एंड हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो आपका फोरम सेंटीमीटर का 78% है ये आपको 90% के अवब भी देखने को मिले, क्योंकि इस समय यदि वॉल्यूम देखें आप तो 7 करोड़ के अराउंड के वॉल्यूम आ रहे हैं। एंड लास्ट वीक में अच्छे वॉल्यूम देखने को मिले थे, 19 करोड़ तक के वॉल्यूम हमें जाने को देखने को मिले, लेकिन यदि आप इस समय देखें तो 7 करोड़ शेयरों के वॉल्यूम अभी भी है। एंड यदि आप डिलीवरी बेस पैटर्न देखें तो कोई खास नहीं है, क्योंकि 1 मंथ के एवरेज में हमें 50% से ऊपर का डिलीवरी पैटर्न देखने को मिल चुका है। देन यदि इस टाइम देखें तो ओनली 47% का डिलीवरी पैटर्न है, जो 1 वीक पहले यहाँ पर 45 का था। तो यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज बेस अच्छी नहीं है, लेकिन एनएससी के काउंटर पर बात करें तो वो कहीं ना कहीं 50% से ऊपर रहने वाला है। एनएससी में क्वांटिटी ट्रेडिंग 3,53,00,000 से ज्यादा के शेयरों की हुई। एंड उसी के साथ यदि डिलीवरी बेस पैटर्न की बात करें तो 1,82,89,000 से ज्यादा के शेयर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए। उसी के साथ यदि हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में देखें तो यहाँ पे अभी जो क्वांटिटी ट्रेडिंग हुई वो 3,00,00,000 and 3.5 करोड़ के अराउंड की देखने को मिली। उसके साथ 1.5 करोड़ के अराउंड की डिलीवरी बेस पैटर्न उठी, 43% से कहीं ना कहीं ऊपर की डिलीवरी पैटर्न है। लेकिन मैं आपको लगातार बताता रहता हूँ कि एक अच्छा डिलीवरी पैटर्न, एक अच्छी परसेंटेज डिलीवरी एक अच्छी तेजी की ओर इंडिकेशन देती है, लेकिन यहाँ पे बीएससी में लगातार डिलीवरी पैटर्न डिलीवरी परसेंटेज में कमी आ रही है, जिस कारण से इस शेयर में थोड़ी सी अभी निकट की संभावना है। इतनी ज़्यादा हाइप नहीं है कि जितने ज़्यादा आप अपने टारगेट लिए, लेकिन यदि यहाँ पर डिलीवरी बेस पैटर्न यदि 80% या 75% के अराउंड ही आता है तब भी इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप खोज सकते हैं। अभी उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डिलीवरी पैटर्न है वो कहीं ना कहीं 50% के नीचे, तो 50% के ऊपर आप यहाँ पर बाइंग की सोच सकते हैं। यदि एएमओ सेक्शन पर बात करें तो यहाँ पर भी सेलिंग के लिए काफ़ी बड़ी क्वांटिटी इस समय लगी हुई है, 22,00,000 से ज़्यादा शेयरों की क्वांटिटी 1.45 रुपये पर अभी लगी हुई है। तो आप यहाँ पर देखें तो सेलिंग प्रेशर लगातार यहाँ पर इस समय ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखने का यहाँ पर मतलब है कि कल के दिन हो सकता है प्राइस में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले। बका यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर दें। साथ साथ यदि मैं आपको टारगेट की बताऊँ तो टारगेट यहाँ पर 2.60 रुपये 2.65 रुपये तक के टारगेट यहाँ पर नेक्स्ट 1 मंथ तक के दीपावली तक के यहाँ पर रहने वाले हैं। उसके बाद यदि हम बात करें 2022 की तो वो कहीं ना कहीं 4.65 रुपये तक के टारगेट हम इसके लेते रहते हैं। मैं आपको लास्ट वीडियोज़ में भी ये सभी टारगेट डिस्कशन कर चुका हूँ। लगातार रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर या और अन्य शेयरों की न्यूज़ लेने के लिए हमारी चैनल को यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस जरूर करें। अभी हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।